हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे मेरी यूट्यूब फैमिली, आई होप आप सभी लोग जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी अच्छा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग इस प्यारी सी मॉर्निंग के साथ। तो गाइस अभी सुबह के 9 बज गए हैं और नाश्ता वगैरह भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो गाइस ये व्लॉग मेरा 2 दिन के बाद आ रहा है क्योंकि उससे पहले घर में हमारा काम चलता था, तो जिसमें मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी था, तो रियली वीडियो बनाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं था। तो अभी दिखाता मैं कि हमारे घर में क्या काम हुआ था। यहाँ पर आप देख सकते हो पहले यहाँ पर रेलिंग नहीं थी, तो गाइस अब यहाँ पर रेलिंग अगर अभी लग चुकी है तो रेली काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। और पहले यहाँ पे नीचे की साइड जाने में काफ़ी ज़्यादा डर लगता था, तो जैसे मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ से आप देख सकते हो हाइट काफ़ी ज़्यादा नीचे है। तो फाइनली रेलिंग लगने के बाद काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो चुका है और सेफ्टी में भी अब कोई दिक्कत नहीं है, तो अब छोटे बच्चे वगैरह भी यहाँ पर खेल सकते हैं। लेकिन दोस्तों आज का मौसम आप देख सकते हो जो कि बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पूरे आसमान में चारों तरफ पूरे बादल वगैरह लगे हुए, क्योंकि कल पूरे दिन में बारिश थी, तो इसी वजह से आज भी मौसम पूरा ऐसा खराब ही और है। तो वैसे यहाँ से आप देख सकते हो हमारा छत जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। जो छत के लिए जो मसाला वगैरह बनता है रूढ़ी सीमेंट वगैरह का, तो वो हमने यहाँ पे बनाया था। और जो सामान हम लाए थे तो वो मैं यहाँ नीचे से लाया था, तो यहाँ पे पापा जी और मैं थे, तो हमने यहाँ से कट्टे वगैरह उठाए थे और उसके बाद हम ऊपर लाए थे, तो यहीं पर हमने वो सामान वगैरह मिक्स किया था और उसके बाद यहाँ से फिर वहाँ तक ले गए थे। तो गाइस अभी हमारे गाँव छत से नीचे और यहाँ पे ये कट्टे, तो रेलिंग को ले जाने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हुई थी, क्योंकि एक तो ये कट्टे पूरे सड़ चुके हैं और दूसरा फिर यहाँ पे ये था छीन के ये कट्टे पूरे गीले हो रखे थे, तो गीले में ये काफ़ी ज़्यादा भारी थे। तो गाइस इस तरह से हमने यहाँ से उठा के वो थैले ऊपर, तो क्या करें मजबूरी थी क्योंकि घर में कोई काम करने वाला भी मिला नहीं, तो हमें खुद ही ये उठा के छत में ले जाने पड़े। तो इसी वजह से मेरे कमर में भी काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था, क्योंकि आजकल काम करने की आदत उतनी है नहीं, तो इसी वजह से तबीयत भी थोड़ा बहुत ख़राब हो रही थी, तो तब फिर वीडियो बनाने का उतना मन भी नहीं किया। तो वैसे फाइनली आज मुझे टाइम मिल चुका था, तो मैंने सोचा एक ब्लॉग को शूट करते हैं। तो अभी मैं अपने घर से थोड़ा सा आगे आ रखा हूँ और जहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारी प्यारी सी गाय है, और ये रहा ऊपर पे मंदिर, और यहाँ पे ये नियार वगैरह लगा रखा है, और ये हमारा घर जो कि आपको पीछे पर दिख रहा होगा, और ये यहाँ पर कुछ माल्टे के पेड़ हैं जिनपे बहुत ही प्यारे माल्टे लगे हुए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, और साथ ही यहाँ पे हमारा अमरूद का पेड़ भी है जो मैंने आपको पहले भी बता रखा था। तो गाइस अभी मैं चलता हूँ यहाँ से आगे और आपको नीचे से रेलिंग दिखाता हूँ कि वो कैसा लग रहा है। तो गाइस ये हमारा प्यारा सा घर, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये है वो नई वाली रेलिंग जो कि ऊपर से और यहाँ तक लगाई गई है, और ये वाला तो पहले ही लगा रखा था हमने। और लोकेशन देख सकते हो आप घर का जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है, और इस साइड पर ये है हमारा आम का पेड़। तो गाइस मैंने आपको अपना प्यारा सा घर बता दिया है, और बाकी आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा। और बाकी मिलते हैं दूसरे व्लॉग में, तो तब तक आप मेरा पुराना वीडियोस देख सकते हो।